कानपुर की बर्रा थाना पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने सेक्स रैकेट चलाने वाले 4 कथित पत्रकारों और 2 कॉल गर्ल्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को काफी दिनों से सेक्स रैकेट संचालन की सूचना मिल रही थी। स्थानीय लोगों ने पुलिस के ट्विटर अकाउंट पर भी इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बर्रा आठ के मेहरबान सिंह पूर्वा इलाके में छापेमारी कर पूरे रैकेट का भंडाफोड़ कर दिया। वहीं एसपी दक्षिण अपर्णा गुप्ता ने बताया कि इस पूरे गिरोह में 4 युवक, जिनका नाम मंगल प्रसाद पासवान, विमलेश तिवारी, मुन्ना सिंह और नरेंद्र सिंह, जो अपने आप को न्यूज पोर्टल के स्टेट हेड और ब्यूरो चीफ बताते थे और लंबे समय से देह व्यापार को संचालित कर रहे थे। पकड़ी गई कॉल गर्ल आगरा की रहने वाली है। यह पूरा धंधा ऑनलाइन और व्हाट्सएप के जरिए से संचालित हो रहा था। कानपुर से कैमरामैन संदीप के साथ हिमांशु श्रीवास्तव की रिपोर्ट। थाना बर्रा क्षेत्र अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि किसी मकान में अनैतिक देह व्यापार किया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर काम करते हुए पुलिस ने बर्रा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर से 2 महिलाओं और 4 व्यक्तियों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। इनके पास से ATM कार्ड व कॉन्डोम जैसी चीज़ें प्राप्त हुई और पूछने पर इन लोगों ने बताया कि वे वहाँ पर इस तरह का कोई काम कर रहे थे। इस चीज के ऊपर मुकदमा पंजीकृत करके इनके ऊपर आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कौन लेके आया था आपको यहाँ पर? नहीं, किसी ने तो आपको मिलवाया होगा ना? आप कहाँ के रहने वाले हो? हाँ, एक खुशबू करके लड़की थी, उसने हमको मिलवाया। खुशबू लड़की थी, कहाँ की रहने वाली है? फतेहाबाद की रहने वाली है। तो खुशबू ने आपको यहाँ के बारे में बताया था? आपको क्या जरूरत पड़ी इस तरीके से धंधे में आने की? थोड़ा कर्जा लिया था, वो लोग थोड़ा प्रेशर डाल रहे थे ज्यादा, इसीलिए आपसे पूछा। कर्जा लिया था? कितना पैसा लिया था? लिए थे हमने 50,000 का, अगर उनसे बोला था अपने हिसाब से दे देना जो तुमको ठीक है। किस बात के लिए कर्जा लिया था? बेटा खत्म हुआ था। बेटा खत्म हुआ था? हाँ, उसको इलाज करवाया था, उसको पेट की आंखें बाहर आई थी, ऑपरेशन का। कितने साल का था बेटा? साल का नहीं था, 10 दिन का था। 10 दिन का। कहाँ इलाज चला उस बच्चे का? पहले ही आगरे में ये SR हॉस्पिटल में रखा था, फिर इमरजेंसी रखा था, लास्ट में एम्स हॉस्पिटल में खत्म हो गया।